हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 16th मई है और आज हमारे टेबल के ऊपर तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशंस, इट इज गवर्न्ड बाय आवर मेंटल एटीट्यूड, हैज बीन सेड बाय डेल कार्नेजी। हमारी खुशी का रिमोट हमारे हाथों में होता है। इट इज अ डिसीजन दैट वी हैव टू टेक, एक दिन में, एक हफ्ते में, या फिर हमारे जीवन में। कई बार हम अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। जब हम अप्स में होते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वी फील वेरी हैप्पी। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब हम डाउन जा रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में हमें डाउनफॉल भी देखना पड़ता है, और मैं तो कहूँगा देखना भी चाहिए। तो ये भी एक एक्सपीरियंस जो है वो हमारे कैनवास के ऊपर आ जाए। तो एनीवे, जब हम इस साइड पर, व्हेन वी आर गोइंग डाउन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो खुशी है वो हमारे अंदर से पैदा होती है। ये चीज़ सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें जो है वो चीज़, ये जो खुशी है वो पैदा नहीं कर सकती। एनीवे फ्रेंड्स, आज बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। द नीड फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और सेकंड वन इज़ मोफ टू फ्रीडम, ये बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है प्रियंका शर्मा। तो उनको गिरफ्तार किया गया था बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, तो उनकी एक तस्वीर जो है तो उसको क्रॉपिंग की। और प्रियंका चोपड़ा जो एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो उनके बॉडी के ऊपर उन्होंने ममता बनर्जी का फेस जो है वो स्टिक कर दिया, तो इससे उनको गिरफ्तार किया गया। और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज जो लॉज 2015 में निकाल दिए गए थे, तो उन लॉज का भी उपयोग किया है वहाँ की पुलिस ने, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है। और सबसे स्ट्रेंज बात है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो भी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेंज है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ऑल आउट एट सी, ये इंडियन नेवी क्या कर रही है, इंडियन ओशियन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी के आर्टिकल्स जो हैं पॉलिटिकल हैं, चेजिंग स्टेबिलिटी जो है, ये स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनके वहाँ ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स के बारे में लिखा गया है। अगर आपके पास वक्त है, एक्स्ट्रा टाइम है, इंटरेस्टेड है, तो पढ़िएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये है मेरा FB पेज, यू कैन फॉलो मी टू गेट नोटिफिकेशंस। लेक्चर की PDFs जब भी मैं अपलोड करता हूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप इस पेज को ऑफिशियली फॉलो, ये जो पेज है इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। एंड अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, वांट टू ग्रीट और सम एनीथिंग, देन यू कैन यूज़ दिस मैसेज फैसिलिटी ऑफ FB टू गेट इन टच विथ मी। ऑफकोर्स बात करते हैं द नीड फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। जुडिशियल एक्टिविज्म रादर देन जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। ए, के फायर क्रैकर्स कितने बजे तक आप फोड़ सकते हैं, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, ये एक लॉ जो है, ये लॉ में जो भी टाइम लिमिट्स हैं, इसको कम करना, इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेजिस्लेचर के एक दायरे की चीज़ है, यानी कि पार्लियामेंट कानून जो है वो बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चीज़ें कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अपने आप इस प्रकार के ऑर्डर्स रिलीज करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म। होल्ड ऑन अ सेकंड, यस हियर वी गो। सेकेंड वन इज इट्स जजमेंट ऑन लिंकिंग रिवर्स फॉर विच देर इज़ नो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पार्लियामेंट के कोई कानून नहीं है, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट्स सुना रहा है। फिर ये जो बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर हैं, जिसके बारे में हम एडिटोरियल को जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1A है, और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपको माफ़ी मांगने की क्या आवश्यकता है। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर दिखाया है। जुडिशियरी के साथ जुड़ी हुई दो थियोरीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक है पॉजिटिविस्ट थियोरी। पॉजिटिविस्ट थियोरी अच्छी है, इट्स ए गुड थियोरी, बिकॉज 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में कुछ
آؤٹسٹینڈنگ یا پھر کچھ فیمس جورسٹس ہیں، ان کے نام آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، بٹ دا مین تھنگ واٹ دے سیڈ از لا از ٹو بی ڈسٹنگوشڈ فرام مورالٹی اینڈ ریلیجن. آپ کا جو قانون ہے وہ آپ کی جو ایک مورالٹی ہے، آپ کا ریلیجن یعنی کہ آپ کا جو دھرم ہے، سوسائٹی کے جو بھی مورالٹی کے جو بھی لمٹس ہیں، یہ ساری چیزوں سے دھرم، یہ جو قانون ہے اس کو آپ کو الگ رکھنا چاہیے اور الگ ہونا بھی چاہیے. اس کے پیچھے ایک ریشنل لوجیکل ریزن بھی ہے. آئی ول گیو یو ون ایگزامپل. لیٹس ٹیک ستی سسٹم. ستی سسٹم جو ہیں یہ کس نے انٹروڈیوس کی؟ اٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی سوسائٹی. اور اس کے اوپر پیکیجنگ جو ریپر ہیں اس کے اوپر کس کا تھا؟ اٹ واز آف ریلیجن. رائٹ، کہ دھرم کے نام پر سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں ستی سسٹم چل رہی تھی. اب نہ تو یہ لوجیکل ہیں، نہ ریلیجیس ہیں، نہ مورل ہیں. تو لا جو ہیں جب قانون بنایا گیا اس کے خلاف، رائٹ، تو اس نے بھلے ہی یہ سوسائٹی نے اس کو فالو، سوسائٹی یہ فالو کر رہی تھی، سوسائٹی یا پھر کسی نے بھی دھرم میں اس کو چھاپ دیا کہ یہ ایک ریلیجیس چیز ہے، لیکن اٹ واز ان ہیومن، اٹ واز اریشنل. اور پھر قانون جو ہیں وہ اس کے خلاف جب بنا تو پھر اس سسٹم کو ہمیں بند کرنا پڑا. تو دس از اے گڈ ایگزامپل کہ لا از ٹو بی ڈسٹنگوشڈ فرام مورالٹی اینڈ ریلیجن. ایک قانون، آپ سوچیے اس ٹائم پر جو ستی کا قانون ہے، وہ ستی کے خلاف جو اینٹی ستی جو قانون تھا، تو وہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا ہوگا. کئی بار جب یہ جو ٹرپل طلاق ہیں، تو وہ بھی جب قانون بنا تو بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا. بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں، دوسرے بھی قانون کے ایسے ایگزامپل، تو لوگوں کو پسند نہیں آتے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ قانون کو ریجیکٹ کر دیجیے. یہاں پر چوائس نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. جو چیز صحیح ہے، رائٹ، اگر ایک قانون کو ایک پراپر طریقے سے ایک لیجسلیچر یعنی کہ پارلیامنٹ سے پاس کیا گیا ہے، تو پھر وہ قانون آپ کو پسند ہو نا پسند ہو، واٹ ایور اٹ از، اگر یہ ہمارے ہت کے لیے ہیں، سماج کے لیے، ہمارے دیش کے لیے، لوگ کے کنٹیکس میں اگر پراپر ہیں، تو پھر وہ ہمارے دیش کا قانون بن جاتا ہے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. جو پہلے کی تھیوری تھی، جو نیچرل لا تھیوری تھی، رائٹ، اس میں جو خراب ایسے قانون تھے، رائٹ، بیڈ لا واز ناٹ لا ایٹ آل. پہلے ایسا تھا کہ اگر آپ کو کوئی قانون پسند نہیں ہے، یا پھر نیچرل تھیوری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر قانون اچھا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو پھر وہ خراب لا مانا جاتا ہے. لیکن پوزیٹیوسٹ تھیوری میں یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے پارلیامنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، تو پھر دیٹ از دا لا آف دا لینڈ. ان پوزیٹیوسٹ جورسپروڈنس دا سینٹر آف گریویٹی آف دا لیگل سسٹم از اسٹیچیوٹری لا، دیٹ از لا میڈ بائی دا لیجسلیچر. اگین، جو چیز میں نے آپ کو بتائی، سیم تھنگ یہاں پر بتائی گئی ہے، یا پھر اسی چیز کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو قانون لیجسلیچر کے دوارا بنایا گیا ہے، تو وہی لیگل سسٹم کے لیے ایک سینٹر آف گریویٹی کا کام کرتا ہے. اٹ ہولڈز دیٹ لا میکنگ از ناٹ دا جاب آف دا ججز. ججز جو ہیں ان کا کام نہیں ہے لا کو بنانا، ان کا کام ہے لا کو انٹرپریٹ کرنا کہ لا صحیح ہے یا غلط ہے. اگر چیلنج کیا جاتا ہے کوئی لا تو، اور لا کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اگر لا کا وائلیشن ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ججز کر سکتے ہیں. لیکن قانون بنانے کا کام جو ہے وہ ججز کا نہیں ہے. ہمارے دیش میں کانسٹیٹیوشن نے تین الگ الگ پلرس بنائے ہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے سسٹم کے تین پلرس ہیں. ایک ہے جوڈیشیری، رائٹ، جوڈیشیری کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، نیائے پالیکا. سیکنڈ ون از لیجسلیچر، تو ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پارلیامنٹ، ہماری جو سنسد ہیں، اس میں دونوں ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لیڈرز بھی ہوتے ہیں، وننگ پارٹی اینڈ اپوزیشن دونوں ہوتے ہیں، یا پھر رولنگ پارٹی اینڈ اپوزیشن. اینڈ دین یو ہیو ایگزیکٹوز. ایگزیکٹوز میں آپ کی گورنمنٹ یعنی کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ سارے لوگ یہاں پر آ گئے ایگزیکٹوز میں. تو تینوں کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ الگ ہیں، تینوں کے لیے لکشمن ریکھائیں ہیں، رائٹ، اور ہر کسی کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز نہ ہوں، کیوس نہ ہوں. لیکن جوڈیشیری جو ہیں وہ بار بار اپنی لکشمن ریکھا کو کراس کر کے یہ جو ایگزیکیوٹو ہیں یا پھر لیجسلیچر کا جو کام ہے اس میں انٹرفیئرنس کرتی آئی ہے.
दूसरी जो थियरी है उसको कहते हैं सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस. इट वॉज डेवलप्ड इन और इट गॉट डेवलप्ड इन दिस यूरोप एंड यूएस, और इसमें अलग अलग जजेस जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया. और यहाँ पर उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एज पर दिस सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, इसमें ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीगल सिस्टम इज़ फ्रॉम स्टेट्यूट टू लॉज मेड बाय जजेस. यानी कि जजेस का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जजेस जो हैं वो एक चीज़ के ऊपर खुद कानून बना सकते हैं, खुद एक नया डिसीजन दे सकते हैं, और ये चीज़ जो है वो कई सारे अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इसको रिजेक्ट भी की है. क्योंकि इसमें ये होता है कि जो पॉजिटिविस्ट ज्यूरिसप्रूडेंस में जिस प्रकार से ये चीज़ को देखा जाता है कि जो एक प्रॉपर लॉ जो बनाया गया है उस लॉ को फॉलो किया जाए, यहाँ पर ये होगा कि सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में ये होगा कि एक जज ने एक ही चीज़ के ऊपर ये कहा कि हाँ ये ठीक है, और कुछ सालों के बाद उसी चीज़ के ऊपर दूसरे जो जज हैं वो उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन ध्यान में रखते हुए वो उसी चीज़ के ऊपर नो कह सकते हैं. तो ये एक प्रकार से लीगल एनार्की हो जाएगी, फिर केओस में सारी चीज़ें हो जाएगी कि करे तो करे क्या. और ऐसी ही एक चीज़ यू नो, आप इसको एनार्की कह सकते हैं या फिर जुडिशियल एक्टिविज़म कह सकते हैं, सेकंड जजेस और थर्ड जजेस केस. ये एक बहुत ही फेमस जज केसेस हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं. इसी फर्स्ट जजेस, फिर सेकंड जजेस और थर्ड जजेस, ये जो केस हैं इसमें कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ. कॉलेजियम सिस्टम में पांच जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस हैं, सीनियर मोस्ट, इसमें CJI और उनके बाद जो चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो मिलकर एक कॉलेजियम बनती हैं. इन पांच जजेस जो हैं इनका काम है जजेस को सिलेक्ट करना, ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये जो सिस्टम पैदा की गई बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सिस्टम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 को अगर हम देखें तो उसमें कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उसकी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहीं पर भी बात नहीं हुई है. लेकिन जुडिशरी ने अपने आप एक कॉलेजियम सिस्टम बना ली. फिर यू नो, इस प्रकार की बहुत बार चीज़ें हमें देखने को, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस प्रकार की चीज़ें, ये जो एग्जाम्पल अच्छा है कि जुडिशरी ने कई बार अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस की है. ये जो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस है कई बार उसका सदुपयोग भी होता है. उसका एग्जाम्पल है सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर देना, राइट. तो ये एक है कि कई बार सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस भी पॉजिटिवली हमारे सामने आता है. लेकिन द मेन थिंग इज के ये जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो कई बार, या फिर जुडिशरी जो हैं वो कई बार अपनी ये जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस करके उनकी जो चीज़ जहाँ पर उनको डे टू डे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए या फिर जुडिशरी को इन सारी चीज़ों में दखलअंदाजी नहीं देनी चाहिए. लेकिन वी फाइंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं. तो इस एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर, इस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में इस आर्टिकल में बात हुई है. द सेकेंड वन इज़ अबाउट प्रियंका शर्मा. प्रियंका शर्मा जो हैं ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, एक महिला हैं, और उन्होंने एक तस्वीर, आप गूगल कीजिएगा, यू विल फाइंड दिस पिक्चर. तो उसमें यह है ममता बनर्जी जो हैं चीफ मिनिस्टर, तो उनका फेस हटाकर वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद प्रियंका शर्मा एंड प्रियंका चोपड़ा. हियर जेल में थे प्रियंका शर्मा, उन्होंने ममता बनर्जी का फेस हटाकर वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जो फेमस फिल्म स्टार हैं, तो उनका फेस मीन्स उनके बॉडी के ऊपर ममता बनर्जी का फेस जो है वो लगा दिया, ऐसा किया था उन्होंने. अब एक प्रकार से अगर देखें तो वो तस्वीर मैंने देखी, देर इज नथिंग आई वुड से रॉन्ग वॉन्ट बी द राइट सब वर्ड, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी का इतना बड़ा इंसल्ट हो. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो, बहुत ही एक सिंपल, उन्होंने शायद मजाक किया हो या वॉट एवर राइवलरी जो भी चल रही हो, इट वॉज नॉट आई वुड से प्रोफेन, या इसमें न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, प्रोफेनिटी ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं थी. इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ मजाक और समथिंग, वॉट एवर. अब इनको गिरफ्तार किया गया, साइबर क्राइम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, और यहाँ पर सेक्शन 66A
आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो है इसका इस्तेमाल किया गया इन द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, और आई वुड से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा कानून, एक ऐसी कलम जिसको 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, उस सेक्शन का उपयोग आज भी कहीं पर हो रहा है। यू सी द मिसमैच हियर कि क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। और सबसे दुखद बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप देखिए पूरा दिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग टीवी चैनल्स में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं कि जो मोदी जी हैं या फिर राहुल गांधी जी एंड अदर पीपल, उनके कार्टून्स और ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो और सेटायर जो हैं वो हमारे पॉलिटिक्स का एक पार्ट भी रहा है, हमारे जो अलग अलग देशों का एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस की मजाक उड़ाना, जोक्स बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे देश का कल्चर हैं। यू नो, हर किसी का मजाक यहाँ पर बनता है या फिर उनकी मस्ती की जाती है, और या फिर एक मैसेज देने के लिए एवरी डे दिस थिंग डू टेक प्लेस। यहाँ पर आप देखते हैं, चलिए आज का जो हमारा ये पेज है, तो सी हियर, आज मिस्टर ट्रंप का है यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर ईरान डील लिखा है। हर रोज़ यहाँ पर ये जो पोर्शन है अलग अलग न्यूज़पेपर में, ये एक होता है पिक्चर का, तो एवरी डे इस प्रकार की मस्ती यहाँ पर चलती रहती है। नाउ द थिंग इज़, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा करते वक्त ये बताया कि आप एक अपोलॉजी, यू नो, आपको लिखनी पड़ेगी, राइटिंग में आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपको बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर उनका जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका भी एक वायोलेशन हुआ है। लेकिन दुखद है कि तीन लेवल्स पर, एक तो मैजिस्ट्रेट जो है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, फिर मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने रिमांड पर इनको भेज दिया, जुडिशियल रिमांड, और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जब इस व्यक्ति को छोड़ रही है तो ये बता रही है कि आप रिटर्न में अपोलॉजी दीजिए। तो दैट्स अ सैड थिंग। ऑल आउट एट सी, दिस वन इज अबाउट इंडियन ओशन। ये देखिए, इंडियन ओशन जो है उसमें हमारा जो लोकेशन है, दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी भी दूर नहीं हैं और इतनी भी नज़दीक भी नहीं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दूरी है उससे, मीन्स बहुत ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे, लेकिन पर्थ जो है उससे हमारा चेन्नई जो है वो नज़दीक है वाया वाटरवेज। फिर पूरा ये जो रीजन है इसको कहते हैं आसियान का रीजन, ASEAN। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये वाला रीजन है। फिर अफ्रीका के जो इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं, अरेबिक वर्ल्ड हैं, तो ये सारे रीजन से हम इंडियन ओशन से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो पूरा रीजन है, अब कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में, तो इंडियन ओशन का रोल देखिए, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन में इंडियन ओशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो इससे थोड़े ऊपर अगर हम जाएं, तो रेड सी से ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पर सुएज कैनाल से यू गेट इन टच विथ मेडिटेरेनियन सी। तो यूरोप के साथ अगर आपको यूरोप का कुछ सामान आपको ऑस्ट्रेलिया भिजवाना है तो, या फिर यहाँ की चीज़ें आपको यहाँ पर, या चाइना की चीज़ें यहाँ पर, कुछ भी हो, राइट, यू हैव टू गो थ्रू इंडियन ओशन। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट, अटलांटिक ओशन के बाद इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एवरीथिंग सेकंड नंबर पर आता है इंडियन ओशन, इतना बिजी है ये। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर फ्रीली हर एक देश जो हैं, विदाउट पायरेसी, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, ईजिली फ्रीली ट्रेडिंग कर सकें। और भारत के लिए, एक भारत के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा जो इंटरेस्ट है, तो उसका एक इन्फोग्राफिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। अगर आज इसके एक एक पॉइंट्स को देखेंगे तो हमारे पास उतना वक्त नहीं रहेगा। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, आप सारे रीजन्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इंडियन ओशन में, इंडियन नेवी में, इंडियन नेवल ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। फिलहाल हमने पिछले कुछ हफ्तों में बायलैटरल एक्सरसाइज की हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर इस रीजन में एक नेवल एक्सरसाइज की। फिर एक डिएगो गार्सिया नाम का आइलैंड है यहाँ पर, यहाँ पर वो आइलैंड आपको मिल जाएगा, आई थिंक इट इज़ गिवन हियर, हियर वी गो, नंबर 7, नो दिस इज़ मालदीव्स एंड सेशल्स, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स, नो नॉट दिस वन, यहाँ पर नहीं दिया गया है इस मैप में, लेकिन यहाँ पर आपको एक मैप, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हियर,
राइट, समवेयर हियर यू फाइंड स्मॉल आइलैंड्स, बहुत ही छोटे हैं। और ये जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली हैं ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी, यूके के हैं, लेकिन उन्होंने लीज के ऊपर यूएसए को ये दे दिए हैं। तो यूएसए का एक मिलिट्री बेस यहाँ पर है, तो हमने यूएसए के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज की, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज की, दूसरे जो प्लेयर्स हैं हमने एक फ्रेंच नेवी के साथ मिलकर वरुणा नाम की एक जॉइंट एक्सरसाइज की, यह नाम आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज इन अरेबियन सी, गोवा एंड करवार। एंड फिर कुछ दिनों पहले जब मैं आपको बता रहा था इस रीजियन के बारे में, ये जो पानी है इसका कुछ नाम है, इस सी का कुछ नाम है, तो क्या नाम है इसका ये बताइए। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दैट, वहाँ पर मैंने आपको 9-line के बारे में बताया था, आपको याद होगा 9-line। तो यहाँ पर भी हमारी जो ships थी वो पहुँच गई थी, हमने यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फिलीपाइंस, इनकी वॉरशिप्स के साथ यहाँ पर सेलिंग की। और ये सारी चीज़ों के पीछे एक चीज़ ये भी है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। चाइना अपने चीज़ों को यहाँ पर इंडियन ओशियन में काफ़ी एंगेज हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ग्वादर पोर्ट के बारे में आप जानते हैं, हम्बन टोटा के बारे में हमने बात की है, जिबूटी में उन्होंने अपना चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस उन्होंने जिबूटी में बनाया है। येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बाबल मंदेब एंड थिंग्स, रिमेंबर। और यहाँ पर भी सूडान है, फिर इथियोपिया, केन्या, ये सारे देशों के साथ, तांजानिया, इन सारे देशों के साथ भी चाइना जो है काफ़ी एंगेज हो रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, फिर मलेशिया और दूसरे देशों में भी काफ़ी एक्टिव हो रहा है चाइना। तो चाइना अलग अलग जगहों पर अपने पोर्ट्स बनाकर, अलग अलग जगहों पर अपने पोर्ट्स जो हैं वो बनाकर पहले ट्रेड के नाम पर एंड देन ट्रेड के साथ साथ मिलिट्री के पोर्ट्स भी यहाँ पर बना रहा है, ड्यूअल पर्पस जो कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी एक्सरसाइजेस जो हैं उसको एक्सपांड कर दी हैं। और ये जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल प्लेयर्स, चाइना यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्लेयर है, वो इंडियन ओशियन कंट्री नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्लेयर होकर भी यहाँ पर अब अपना एक्सपांशन कर रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत को और ज़्यादा देशों के साथ इस प्रकार की जो नेवल एक्सरसाइज हैं वो करनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ पर जो भारत का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो एक इंटरेस्ट है, वो मेंटेन रहे। भारत ने इससे पहले, हमारी जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो पायरेसी के ऑपरेशन हैं, काउंटर पायरेसी मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि मोजाम्बिक में जो दो तूफान आए तो वहाँ पर मदद के लिए भारत पहुँच गया, टेररिज्म के और इस प्रकार की चीज़ें होती है तो भी भारत यहाँ पर पहुँच जाता है। हमारी जो नेवी है वो काफ़ी एक्टिव है इस रीजन में, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड भी हैं। तो इस रिस्पेक्ट का हमें पॉजिटिव फ़ायदा उठाकर दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करके वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडियन ओशन। मानसून जो है वो केरला में 6 June तक पहुँच जाएगा। और ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी हमारे यहाँ पर जो LPA है, LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, दैट इज़ 89 centimeters, ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। वायलेंस प्रॉम्प्ट्स पोल पैनल टू पुल कैंपेन प्लग इन बंगाल। ये जो प्रियंका शर्मा हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई एक न्यूज़ आइटम है, पानी की समस्या दुनिया के अलग अलग कोनों में और हमारे देश के अलग अलग जगहों पर भी हमें देखने को मिल रही है। एंड दैट्स अ वेरी, यू कैन से इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट, ये एक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों को ये इश्यू, यू नेवर नो कल हम भी इस इश्यू से गुजर सकते हैं। इट मे नॉट लुक दैट थ्रेटफुल एट प्रेजेंट, लेकिन हम इससे बहुत दूर नहीं हैं। महाराष्ट्र डिमांड्स 3 TMC feet ऑफ वाटर इन रिटर्न फॉर सप्लाई टू कर्नाटका। कर्नाटका से कुछ वाटर मांग रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ के कुछ बॉर्डर वाले जो गांव हैं वो काफ़ी सूखा फेस कर रहे हैं। वो आफ्टर 29 years ऑफ सर्विसेज विग्रह इस डी कमीशन, एक इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप थी विग्रह, तो अब ये डी कमीशन की जा रही है। मल्लापुरम फीवर जो है वो अभी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, हेडेक्स, फिर फीवर, मसल पेन, डिसोरिएंटेशन, ये सारे कुछ, वॉमिटिंग, ये सारे कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। चाइना टू असिस्ट श्रीलंका इन एंटी टेरर एफर्ट, जो अभी मैं बता रहा था कि अलग अलग देशों के साथ, इंडियन ओशियन कंट्रीज़ के साथ टाइस जो हैं वो डीप करने की कोशिश कर रहा है। और फेसबुक टू कब लाइव स्ट्रीमिंग, इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाने वाला है फेसबुक। एंड दिस आर योर वोकैब, PDF को डाउनलोड करने के बाद जो इंफोग्राफिक है इंडियन ओशियन का, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच, गुड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।